हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अजमेर रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 7-8 उबले आलू, काला नमक, कटी हुई मिर्च, धनिया और भुना हुआ जीरा, 5 ब्रेड और थोड़ा सा तेल। अब हम आलू मैश करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, कटी हुई मिर्च, आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। हम ब्रेड को 2 सेकंड के लिए पानी में भिगोकर निकालेंगे। और इसको हम आलू के मैश में मिक्स करेंगे। हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। हमारा मैश तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। हम इसे ऐसे दबाकर टिक्की बनाएंगे। हम तवे पर थोड़ा तेल डालेंगे और धीमी आंच पर हम टिक्की को फ्राई करेंगे। हम और टिक्की बनाते रहेंगे। सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। हमारी टिक्की एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, इसमें सुनहरा रंग आ रहा है। हमारी सारी टिक्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एक साइड से। हम दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सारी प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब हम टिकिया को सजाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया की चटनी। इमली की चटनी। दही।
तैयार हो चुका है। Whatever I see, I'll remember you. If you remember.